हेलो फ्रेंड, बेसिक टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड कि गोडाउन वायरिंग कैसे किया जाता है। इस वायरिंग को करने से पहले हम ये जान लेते हैं फ्रेंड कि गोडाउन में जो हम वायरिंग का यूज करते हैं वो वायरिंग हमारा वर्क कैसे करता है। चलिए हम आपको फिगर के थ्रू बताते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पूरा गोडाउन है, इसमें चार रूम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हमारा दरवाज़ा है, ये हमारा बल्ब है और ये हमारा स्विच। अब हम जैसे ही इस गोदाउन में प्रवेश करेंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। हम यहाँ अपना काम कर लेंगे और इस रूम में इंटर करेंगे। इंटर करते हैं, इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम यहाँ अपना काम करके तीसरा रूम में प्रवेश करेंगे। इस रूम में प्रवेश करने के बाद इस तीसरा टू वे स्विच को ऑन करेंगे। फिर इसको जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और ये बल्ब भी हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम चौथा रूम में प्रवेश करेंगे और इसका स्विच ऑन करेंगे। फिर ये भी बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ अपना काम निपटा लेंगे, यहाँ सारा काम ख़त्म करके फिर वापस लौटते टाइम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। फिर हम इस रूम में आएंगे और इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। फिर लास्ट में इस वन वे स्विच को ऑफ कर देंगे तो पूरा सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा। फिर हम इस गोडाउन से बाहर निकल जाएंगे। अब हम आपको एक छोटा सा वायरिंग करके दिखाते हैं। इस वायरिंग को करने के लिए हम चार बल्ब लेंगे और चार बल्ब होल्डर और तीन टू वे स्विच और एक वन वे स्विच का यूज करेंगे। वन वे स्विच में दो टर्मिनल होता है और टू वे स्विच में तीन टर्मिनल, ये मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड। चलिए अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा वायर लेंगे और इस वन वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के एंड को फ्रेंड इस टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर से एक छोटा सा वायर लेंगे फ्रेंड और इसी टू वे स्विच के लास्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के एंड को फ्रेंड इस टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर से एक छोटा सा वायर लेंगे और इसी टू वे स्विच के लास्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के एंड को फ्रेंड इस टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर से एक रेड वायर लेंगे और ये लास्ट वाले टू वे स्विच के लास्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड। और इस वायर के एंड को ये बल्ब होल्डर के जो दूसरा टर्मिनल हमारा खाली है उस टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो हमारा दूसरा टर्मिनल खाली है उसी टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर से एक रेड वायर लेंगे फ्रेंड और इसी टू वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और इस वायर के एंड को फ्रेंड ये सेकेंड जो हमारा बल्ब होल्डर है इसमें सेकेंड टर्मिनल जो हमारा खाली है इसमें कनेक्ट कर देंगे। फिर से एक रेड वायर लेंगे फ्रेंड और इस टू वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और इस वायर के भी एंड को फ्रेंड ये जो हमारा थर्ड नंबर का जो बल्ब होल्डर है इसमें जो टर्मिनल खाली है उसमें कनेक्ट कर देंगे।
उसी प्रकार एक और वायर लेंगे और इस टीवी स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के एंड को फ्रेंड ये जो हमारा फर्स्ट वाला बल्ब होल्डर है उसमें जो टर्मिनल खाली था उसमें कनेक्ट कर देंगे। अब हम न्यूट्रल और फेज वायर कनेक्ट कर लेते हैं। एक ब्लैक वायर लेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट वाला टर्मिनल है जिसमें हम ये ब्लैक वायर कनेक्ट किए हैं उसी टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा ब्लैक वायर है फ्रेंड ये हम कॉमन ले लिए हैं न्यूट्रल के लिए। अब एक रेड वायर लेंगे और ये जो हमारा वन वे स्विच है जो हमारा सेकेंड वाला टर्मिनल खाली है उसमें कनेक्ट कर देंगे। हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब हम इसे सीधा करके बल्ब होल्डर में बल्ब लगा के इसमें लाइट देते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बल्ब होल्डर में बल्ब लगा के इसमें लाइट दे दिए। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे हमारा ये बल्ब ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब इस टू वे स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा और ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, ये बल्ब हमारा ऑफ हो गया। फिर इस टू वे स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार इस टू वे स्विच को ऑन करेंगे फ्रेंड तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और बाकी का इधर वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा। जिस तरह हम आपको फिगर में बता रहे थे फ्रेंड यहाँ भी वही है। उसी फिगर के आधार पर हम इस सर्किट का कनेक्शन किए हैं। फिर वापस लौटते टाइम इस टू वे स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। फिर इस टू वे स्विच को ऑफ कर देंगे फ्रेंड तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। फिर इस टू वे स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा और ये वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा। जस्ट अपोजिट हो रहा है फ्रेंड। फिर इस वन वे स्विच को ऑफ कर देंगे तो हमारा पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। फिर हम गोडाउन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।